बहुत सुंदर सा दिखने वाला ये नाश्ता केवल 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक डिप तैयार करेंगे। तो आधी कटोरी फ्रेश दही लेंगे। थोड़ी सी धनिया के पत्ते को मैंने साफ़ करके रखा है। अगर पुदीना हो तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। आज पुदीना घर में ख़त्म हो गया था, तो बस इसमें स्वाद के हिसाब से मिर्ची डालेंगे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, नमक और जीरा डाल के इसको पीस लेंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें पानी नहीं डालेंगे और पीसने के बाद ना हम दही में इसको मिक्स कर देंगे। एकदम घर की फ्रेश दही है और दही बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ी स्मूथ नहीं लग रही है, इसको अच्छे से विस्कर की मदद से फेंट देते हैं और हमारी ये अच्छे से डिप बन के तैयार हो जाएगी। पनीर की रेसिपी के साथ भी अच्छी लगती है और पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। तो अब स्टफिंग बनाते हैं और स्टफिंग के लिए मैंने 4-5 आलू उबाल के रखा था। इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे, जीरे का पाउडर डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और चुटकी भर खड़ा जीरा डालेंगे। खड़ा जीरा का बहुत अच्छा सा स्वाद आता है। बस इसमें स्वाद के हिसाब से हम नमक मिला देंगे और इसमें भी मैंने प्याज नहीं डाला है। प्याज चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी धनिया तोड़ के डाल देते हैं और नींबू डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो ये स्टफिंग पराठे के लिए भी अच्छी रहती है। पाव भाजी मसाले का बहुत अच्छा सा स्वाद आ जाता है। और इसको भी चाहे तो एक बार चख ले नमक के लिए। तो बस आगे अब हम नाश्ता बनाते हैं। तो हमें चाहिए होगा ब्रेड का 4 स्लाइस मैंने लिया है और एक कटोरी, जिसकी मदद से हम ब्रेड का ये किनारा हटा देंगे और गोल सा इसको काट लेंगे। ये नाश्ता बनाना तो आसान है ही, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अगर देखने में सुंदर लगता है तो बच्चे बहुत मन से खाते हैं। तो बस ब्रेड को हम कट करेंगे और जो ब्रेड का किनारा निकला है ना, इसको फेंकेंगे नहीं, इससे ब्रेड क्रम्स अच्छा बन जाता है। तो हल्का सा इसको रोस्ट करके पीस लेंगे। और अब आगे नाश्ता बनाने के लिए हम एक साइड में हमारी जो ये दही वाली चटनी बनी है इसको लगाएंगे और दूसरे साइड में हम टमाटर केचप लगा सकते हैं, चाहे तो सेज़वान सॉस भी लगा सकते हैं। तो बस इसको लगाने के बाद हम जो आलू की हमारी स्टफिंग है इसको रखेंगे। और स्टफिंग के टाइम में यहाँ पे हम चाहे तो चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने इसको बिना चीज़ के ही बनाया है और बच्चों के लिए अगर चीज़ वगैरह डाल दो तो बच्चों को अच्छा लगता है खाने में। तो यहीं पर हम ऐड कर देंगे और आलू अच्छे से फैलाएंगे चारों तरफ से। और फिर ये जो दही वाली ब्रेड है इसको डाल देते हैं, हल्का सा एक बार चिपका दे। और इसी तरह से हम दूसरा भी पीस बना लेंगे और फिर इसको हल्का सा तवे पे सेकेंगे। तो अब चलते हैं, ये तैयार है तो इसको सेक लेते हैं। एक तवे पे हल्का सा देसी घी लगाएं चाहे बटर लगाएं, ये जैसा भी आपको टेस्ट पसंद हो। और फिर इसके बाद जो हमारा ये गोल गोल ब्रेड की सैंडविच है इसको सेक लेते हैं। दही की चटनी की वजह से इसमें बहुत अच्छा सा अलग सा स्वाद आया था। एक साइड खट्टा था और एक साइड टमाटो केचप की वजह से मीठा सा स्वाद था। और फिर इसमें एक ट्विस्ट भी है तो उसकी वजह से ये नाश्ता खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। सैंडविच से कुछ अलग था और खाने में बहुत मज़ेदार था। बनाने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगा था। तो बस अब हमें चाहिए होगी भुजिया, आलू भुजिया ले लें या बीकानेरी भुजिया जो आती है, जो भी टेस्ट पसंद हो। और एक प्लेट में हम थोड़ी सी भुजिया फैला देंगे और सैंडविच जो हमने बना के रखी है ना उसको फिर कट करेंगे और लपेट देंगे। भुजिया को तुरंत ही बंद कर देते हैं, नहीं तो तुरंत सील जाती है बरसात के दिनों में। और अभी इसको हम बीच में से हाफ़ कट करते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है और गरम गरम ही खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस इसके बाद हमें क्या करना है, इसके किनारे पर ये टमाटो केचप लगाना है। और चाहे तो यहाँ पे हम मेयो भी यूज़ कर सकते हैं अगर मेयोनीज पसंद हो तो। बस इसके बाद जो हमारी भुजिया है ना इसमें इसको अच्छे से लपेटेंगे और ये एक पीस बन के तैयार हो गया है ना सुंदर सा। और खाने में भी बहुत अलग सा स्वाद था, थोड़ा क्रंची, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा खट्टा और धनिया का अलग सा स्वाद आ रहा था। तो बस इसी तरह से और भी नाश्ता तैयार करते हैं।
और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही आसान और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कुकिंग।